हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंत्रा। जैसे कि मैंने अभी तक 7 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं साइंस क्लास 8 एनसीईआरटी के, और ये आपका होगा नंबर 8। नाउ इसमें जो 3 चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिए थे, ये है चैप्टर 4। नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब मैं आपको पॉइंट्स की फॉर्म में ये आपको चैप्टर कंप्लीट करा दूँगा। फर्स्ट पॉइंट है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट। अगर किसी मेटल को हम बहुत ज़्यादा पीटे, बीट करे, बार बार मारते रहे और वो एक शीट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, एक शीट बन जाए उससे पतली परत एकदम, तो उसको बोलते हैं मेल एबिलिटी। क्या बोलते हैं? मेल एबिलिटी। ये आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, उसको बोलते हैं मेल एबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कोल एंड लीड पेंसिल डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। जो कोल होता है और जो लीड होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को नहीं शो करते, मतलब कि कोल को अगर हम पीटे तो वो मेल एक शीट में नहीं कन्वर्ट होने की, ठीक है, और ना ही लीड पेंसिल भी शीट में कन्वर्ट होने की नहीं होने की, ठीक है। ये मेल एबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करते कोल और लीड पेंसिल। अब आता है थर्ड पॉइंट, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स। अच्छा, अगर मैं किसी मेटल्स को इस वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? डक्टिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। अगर किसी मेटल को मैंने वायर्स में कर दिया तो डक्टिलिटी, शीट में कर दिया तो मेल एबिलिटी, ठीक है। अगर कोई मेटल प्रोड्यूस करता है साउंड्स, और तो उन मेटल्स को हम बोलते हैं सोनोराउस। क्या बोलते हैं उनको हम? सोनोराउस बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई मेटल प्रोड्यूस करता है साउंड तो उनको बोलते हैं सोनोराउस, ठीक है। मेटल्स हैव द प्रॉपर्टीज लाइक हार्ड, डक्टाइल, लस्ट्रस, मेलेबल, सोनोराउस, गुड कंडक्टर, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको कहते हैं मेटल्स। क्या कहते हैं इसको हम? मेटल्स कहते हैं। मेटल्स वो होते हैं जो इन प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जैसे कि हार्ड, डक्टाइल, लस्ट्रस, मेलेबल, सोनोराउज, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी। ऑल ऑफ दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। नाउ इनके कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं मेटल्स के, जैसे कि आयरन हुआ, कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एसेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आता है थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है कोल एंड सल्फर आर सॉफ्ट एंड डुल इन अपीयरेंस। जो कोल होता है, जो सल्फर होता है, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और उनका अपीयरेंस जो है काफ़ी डुल होता है। वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाते हैं इंटू पाउडर मास। कोल को पीट पीट कर, ठीक है, और सल्फर को भी, उनका एक पाउडर बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? पाउडर ऑन टैपिंग विद हमर से पीट पीट करके। दे आर नॉट सोनोरस, मतलब कि ये साउंड नहीं निकालते हैं, ठीक है, और पुअर कंडक्टर होते हीट और इलेक्ट्रिसिटी, आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। इनको बोलते हैं हम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल कौन से होते हैं? जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और नॉट सोनोरस होते हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या? नॉन मेटल्स। और मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जैसे कि सल्फर हुआ, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ। क्या हुआ? फॉस्फोरस भी होता है क्या? नॉन मेटल, ठीक है, और कुछ और भी होते हैं एसेट्रा। सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए। जो सोडियम होता है, जो पोटेशियम होता है, ये सॉफ्ट होते हैं और इनको हम नाइफ से भी काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? इनको हम नाइफ से भी काट सकते हैं। मरकरी, नेक्स्ट पॉइंट मरकरी इज ओनली मेटल विच इज़ फाउंड इन अ लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है रूम टेम्परेचर में, ठीक है। एक्सेप्शनल बताए मैंने ये दोनों, ये आप दोनों याद कर लीजिए, ठीक। अ ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल। जो कॉपर वेसल होता है, कॉपर का, उसकी सरफेस पे ग्रीनिश डिपॉजिट हो जाता है, ग्रीन कलर, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो रस्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछे क्या कॉपर रस्ट होता है, हाँ,
कॉपर रस्ट होता है, और रस्ट होने के बाद उस पर एक परत चढ़ जाती है, एक लेयर हो जाती है। वो लेयर होती है कौन से कलर की? ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर। जो मैग्नीशियम होता है उसके जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक, अब मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं ना, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड है वो सब कैसे बेसिक है, ये आप याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो सब कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं इन नेचर में। ठीक है, जो ऑक्साइड होते हैं नॉन मेटल के आर एसिडिक होते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेस होते हैं या एसिड, आप लिखोगे बेस। अगर आपसे पूछे नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिड होते हैं। ठीक है, ये आपके दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर से रेड। जो सल्फरस एसिड है वो लिटमस पेपर ब्लू को किस में बदल देता है? रेड में बदल देता है। इसका मतलब कि सल्फरस एसिड है, सल्फरस क्या है? एसिड। अगर रेड में बदलना है तो एसिड, ब्लू में बदलना कोई भी सब्सटेंस, कोई भी, ठीक है, तो वो क्या है? वो होगा बेस होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सोडियम मेटल इज अ वेरी रिएक्टिव। जो सोडियम मेटल है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये एक मेटल है। इट रिएक्ट्स विगोरसली विद ऑक्सीजन एंड वाटर के साथ ही रिएक्ट करता है बहुत ज़्यादा। अ लॉट ऑफ हीट इज जनरेटेड इन द रिएक्शन। जब ये रिएक्ट करता है उस रिएक्शन में, तो ये कई सारी एनर्जी रिलीज करता है, इसीलिए इसको किस में स्टोर करते हैं? कैरोसिन में स्टोर करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, फॉस्फोरस इज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। देखिए, सोडियम जो था वो था मेटल, पर फॉस्फोरस क्या है? वो है नॉन मेटल। ठीक है, डिफरेंस है, तो इसको हम रखते हैं वाटर में। ठीक है, फॉस्फोरस को तो हम रखते हैं वाटर में, पर सोडियम को किस में रखते हैं? हम कैरोसिन में रखते हैं। सोडियम क्या है? मेटल है। फॉस्फोरस क्या है? नॉन मेटल है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, कहाँ तक आ गए थे? फॉस्फोरस तक। नेक्स्ट पॉइंट आता है, मेटल रिएक्ट विद एसिड। अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, ठीक है, वो प्रोड्यूस करेगा क्या, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस करेगा, और बर्न्स विद अ पॉप साउंड, और वो एक नॉइज़ भी क्रिएट करेगा। उस नॉइज़, उस साउंड्स का नाम है पॉप साउंड। कौन सी साउंड होगी? वो पॉप साउंड होगी। अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, तो वो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस, और साथ ही साथ एक साउंड्स भी क्रिएट करेगा। उस साउंड का नाम है पॉप साउंड। कौन सी साउंड है? पॉप साउंड नाम है। ठीक है, जो पॉप साउंड है, इसका मतलब कि अगर जब भी किसी भी मेटल या रिएक्शन में से पॉप साउंड निकलती है, इसका मतलब है उसके अंदर प्रेजेंस है क्या? हाइड्रोजन गैस। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन अराइज हो सकता है इससे। पॉप साउंड से इंडिकेट होता है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर कोई भी मेटल रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो प्रोड्यूस करता है हाइड्रोजन गैस। ये भी आप याद रखिएगा। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। अगर रिएक्शन हम कराते हैं नॉन मेटल की, अगर हम रिएक्शन कराते हैं किसकी? नॉन मेटल की बेस के साथ, तो कैसी हो जाती है? कॉम्प्लेक्स होती है। नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ, विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। नॉन मेटल हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं हम एक नॉन मेटल ही लेते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन मेटल है। नॉन मेटल हम फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। ठीक है, नॉन मेटल का हम वाटर प्योरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन। नॉन मेटल का यूज़ करते हैं हम क्रैकर्स में, मतलब पटाखे बम्स बनाने में यूज़ करते हैं दिवाली के। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर्ड सोल्यूशन विच इज अप्लाइड ऑन वुंड्स। अच्छा, जो नॉन मेटल है उसका हम किस में यूज़ करते हैं? पर्पल कलर्ड सोल्यूशन में, क्योंकि इसको हम किस पर अप्लाई करते हैं? चोट पर। किसके तौर पर? एंटी सेप्टिक के तौर पर हम इसका यूज़ करते हैं। जो नॉन मेटल है उसका हम यूज़ करते हैं किस में? पर्पल कलर्ड सोल्यूशन में, और इसको हम किस पर यूज़ करते हैं? वुंड्स पर, चोट पर इस्तेमाल करते हैं। किस फॉर्म में करते हैं? एंटीसेप्टिक के फॉर्म में करते हैं। अगर कोई भी सब्सटेंस
कैन नॉट इफ सब्टांस कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन। अगर कोई मान लो कोई सब्टांस है, ठीक है, उसको अगर हम केमिकल्स रिएक्शन के द्वारा और नहीं तोड़ सकते, क्या और नहीं तोड़ सकते, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो कूलिंग, चाहे हीटिंग हो, चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस हो, ठीक है, इनके द्वारा उसे नहीं तोड़ सकते हम सब्टांस को, तो जब वो आखिरी स्टेज पर आ जाए, उसके आगे वो टूट ही नहीं रहा, तो उस स्टेज को बोलते हैं एलिमेंट। तो उसको जो बचता है ना, वो उसको बोलते हैं हम आखिर में जा करके एलिमेंट है वो। और जो सल्फर क्या है, एक एलिमेंट है, सल्फर भी क्या है, एक एलिमेंट है। आयरन, कार्बन, ये भी क्या है, एलिमेंट है, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की, वो होती है एटम। जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एलिमेंट की, वो क्या होती है, एटम होती है। तो ये आपका मैंने 8वां लेक्चर ख़त्म कर दिया है। अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर अपलोड कर दूँगा, नेक्स्ट डे या रिसेंटली, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, और बेल आइकन भी दबा लेना।